रामानंद सागर के रामायण सीरियल को पहली बार 1987 से 1988 में टेलीकास्ट किया गया था। इसे तब 55 देशों में टेलीकास्ट किया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक तब रामायण को 65 करोड़ लोगों ने देखा था। रामायण जब टेलीकास्ट हुई तो इसने प्रति एपिसोड 40 लाख रुपए कमाए थे, जबकि इसके एक एपिसोड का बजट 9 लाख रुपए था। रामायण में राम रावण से लेकर लक्ष्मण मेघनाद और कुंभकर्ण के बीच युद्ध के काफी सीन थे। इन सीन को रामानंद सागर ने जुगाड़ से फिल्माया था। चूंकि उस वक्त स्पेशल इफेक्ट या VFX के लिए कोई कंप्यूटर या मशीन नहीं थी, इसलिए वह सीन शूट के दौरान ही कैमरे में स्पेशल इफेक्ट डाल देते थे। सुबह का कोहरा दिखाने के लिए कैमरे के आगे अगरबत्ती और धूप से धुआं किया जाता। जब ग्रह और पहाड़ दिखाने होते तो कैमरे के सामने उनके छोटे चित्र बनाकर रखे जाते और तब शूट होता। रामायण के लिए पहाड़ से लेकर ग्रहों तक के स्पेशल इफेक्ट्स 2000 नाम की मशीन यूज की गई थी। इसी के जरिए तीरधनुष और युद्ध वाले सीन क्रिएट किए गए थे। रामायण इंडिया का एकमात्र टीवी सीरियल रहा जिसका टेलीकास्ट टाइम 45 मिनट का होता था। तब इस सीरियल को करीब 99% लोग देखते हैं। जब इसका टेलीकास्ट दूरदर्शन पर किया जाता तो गलियां और सड़कें सुनसान हो जाती थीं। कोरोना के खतरे को देखते हुए जब 21 दिनों के लॉकडाउन में रामायण को एक बार टीवी पर प्रसारित किया गया तो इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया था। 16 अप्रैल 2020 को रामायण का जो एपिसोड टेलीकास्ट किया गया था उसे करीब 7.7 करोड़ लोगों ने देखा था। यह एक वर्ल्ड रिकॉर्ड था। आपको जानकर हैरानी होगी कि रामायण को जून 2003 में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला माइथोलॉजिकल सीरियल इन द वर्ल्ड के तौर पर लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था। रामानंद सागर ने रामायण सीरियल की शूटिंग मुंबई से करीब 16 किलोमीटर दूर उमरगांव में की थी। इस जगह को खास तौर से इसी के शूट के लिए किराए पर लिया गया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक रामायण की शूटिंग करीब 550 दिनों तक चली थी। कई कलाकार उमरगांव में ही रुके थे। किसी दिन अगर शूट के लिए कलाकारों की कमी पड़ जाती तो आसपास के इलाके में ढोलन गाड़ों से घोषणा करवाई जाती। इस सीरियल के शूट में कई आम लोग भी शामिल थे। रामायण में त्रिष्टा का किरदार भी किसी एक्ट्रेस से नहीं बल्कि एक आम महिला ने निभाया था जो कि गुजरात के सूरत की रहने वाली थी। उनका नाम विभूति परेश चंद्र दवे था। क्या आप जानते हैं कि रामानंद सागर ने रामायण के एक सीन में एक कुएं से भी एक्टिंग करवा ली थी। दरअसल एक किस्सा है कि जब भगवान शिव पार्वती को एक कथा सुना रहे थे तो काग भुसुंडी ने चुपके से कथा सुन ली। इसे उन्होंने अपने पंछियों को सुनाया था जिसके बाद यह तुलसीदास जी तक पहुंची। प्रेम सागर ने इस बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि रामायण में एक सीन था जिसमें एक छोटा बच्चा रोटी के लिए रो रहा है और माँ को पुकार रहा है। वहाँ काग भुसुंडी हैं जो सोच रहे हैं कि यह बच्चा अपनी रोटी भी नहीं बचा पा रहा है। प्रेम सागर के मुताबिक उनके पिता ने इस सीन को शूट करने के लिए पूरी यूनिट को कौआ पकड़ने के काम पर लगा दिया। जैसे तैसे 4 कौए ही पकड़े गए लेकिन उनमें से 3 सुबह तक उड़ गए। ऐसे में रामानंद सागर परेशान हो गए। तब उन्होंने शूट के लिए पूरी सेटिंग की, कैमरा लगाया और कौए के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। रामानंद सागर ने कौए से कहा कि वह संकट में है, मदद करें नहीं तो करोड़ों का नुकसान हो जाएगा।